भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र तैयार करने के लिए गुरुवार से एक घोषणा पत्र सुझाव अभियान शुरू कर दिया है। आज दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में सुझाव पेटियां बांटी गई हैं। सुझाव पेटी के अलावा व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी भी जारी किया गया है, जिसके माध्यम से बीजेपी 36 घड़ियों की मन की बात जानकर अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र तैयार करने के अभियान को तेज करते हुए गुरुवार को सभी जिलों में सुझाव पेटियां भेज दी। पार्टी की 32 टीम सभी जिलों के शहर और गांव का दौरा कर सुझाव लेंगी। बीजेपी के सभी जिलों के अध्यक्ष और प्रमुख पदाधिकारी इसके लिए एकात्म परिसर पहुंचे थे, जहां पूजा पाठ के बाद सुझाव पेटियों का वितरण किया गया। सुझाव पेटी के अलावा व्हाट्सएप 9584656500 पर भी सुझाव दिए जा सकेंगे। वहीं सीजी बीजेपी मन की बात 2023@gmail.com मेल आईडी पर भी सुझाव दिए जा सकेंगे। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा, ये घोषणा पत्र नहीं बल्कि छत्तीसगढ़िया के मन की बात होगी। हम पिछले साल 65 सालों से देश की जो स्थिति देख रहे, जिस कोई एक युग था जब हिंदुस्तान विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया थी, दुनिया भर के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, आजादी के बाद ऐसी दुर्दशा क्यों हुई, इस विषय को ध्यान में रख करके हमने पार्टी का सामूहिक निर्णय किया 2003 में कि हम जनता के बीच में जाएंगे तो हमारी बात नहीं, जनता की बात में भी जाएंगे। घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल ने कहा कि जनता के सुझाव के आधार पर घोषणा पत्र तैयार करने जा रहे हैं। अगले एक महीने तक जनता के सुझाव लिए जाएंगे, जिसके बाद पार्टी घोषणा पत्र जारी करेगी। एक महीने का हमारा पूरा टारगेट है, एक महीने में हम लोग संग्रहित करके फिर हम लोग एक बनाया जो समय है वो एक महीने का हमारा समय है, उसके बाद हम लोग उसको अपने वरिष्ठ नेताओं के पास रखेंगे, उनमें सहमति लेंगे और उसको फिर जारी करेंगे। इधर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बीजेपी पर प्रदेश के मतदाताओं को भरोसा नहीं है। 3 बार संकल्प पत्र देखकर बीजेपी की सरकार बनाई, तीनों ही बार बीजेपी का संकल्प पत्र असत्य साबित हुआ। लगातार 3 आम चुनाव में उनके घोषणा पत्र को देख करके छत्तीसगढ़ की जनता ने डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, लेकिन तीनों घोषणा पत्र संकल्प पत्र उनका जो शपथ पत्र था असत्य साबित हुआ। भाजपा समाज के सभी वर्गों के साथ किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, संगठन, उद्योगपति, सीए आदि सभी से राय लेगी। देखा जाए तो 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से किया गया कर्ज माफी का वादा और 2,500 रुपए बोनस की रकम अहम साबित हुई। ये देखना रोचक होगा कि भाजपा इसकी क्या काट लेकर आती है। INS 24/7 के लिए रायपुर से स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट।